हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन होम्स। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं 1 BHK की हाउस डिजाइन, जिसकी चौड़ाई आपको मिल जाती है 12 फीट और लंबाई मिल जाती है 40 फीट। दोस्तों इस हाउस को हमने काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया है जो आपके स्क्रीन के सामने है। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं नए नए हाउस प्लान हाउस डिजाइन एवरीडे अपलोड करते रहता हूं, जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। हो सकता है फ्यूचर में कभी ना कभी आप घर बनाओगे जो आपके एक अच्छी हाउस प्लान हाउस डिजाइन की दरकार पड़ेगी, जो मेरे चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल ही फ्री। अब दोस्तों हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम, काफ़ी मेहनत और काफ़ी सोच समझ के बनानी पड़ती है वीडियो। इसलिए वीडियो को लाइक करो, लाइक करेंगे तो मुझको और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आप घर के अंदर इंटर करते हैं और घर के अंदर का डिज़ाइन को समझते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये सामने वाला गेट से दोस्तों हम लोग इंटर करेंगे तो हमें सबसे पहले मिल जाती है स्टेयर विथ बाइक पार्किंग। तो यहाँ पर आप स्टेयर के नीचे बाइक भी पार्क कर सकते हैं इजीली, दो बाइक। ये स्टेयर एरिया को समझने के बाद हम लोग सामने वाला डोर से इंटर करेंगे तो दोस्तों हम लोग को मिल जाती है पैसेज एरिया। इस तरफ दोस्तों हमें मिल जाती है किचन, ये है किचन की डोर। तो यहाँ पर आपको मॉडर्न किचन देखने को मिलेगा विद विंडो के साथ, विंडो के जरिए से आपके किचन पे अच्छी वेंटिलेशन होगी। किचन को समझने के बाद दोस्तों अब हम लोग ये डोर से इंटर करेंगे तो हम लोग को मिल जाती है लिविंग रूम। तो काफी खूबसूरत दोस्तों हमने लिविंग रूम को डिजाइन किया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, जिसमें आपको सोफा का सेटअप मिल जाता है, टीवी यूनिट का सेटअप मिल जाता है और टी टेबल का सेटअप मिल जाता है। लिविंग रूम से आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हमें फिर पैसेज मिल जाती है और ये डोर से दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने कॉमन बाथरूम की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कॉमन बाथरूम मिल जाता है और वेंटिलेशन के लिए आपको 2 फीट बाई 2 फीट का विंडो मिल जाता है। विंडो के बैक साइड पर हमने OTS डिजाइन करी हुई है। बाथरूम के बगल पे दोस्तों आपको एक डोर नज़र आएगा जो आपकी कॉमन टॉयलेट की डोर है। तो दोस्तों बाथरूम और टॉयलेट के हमने सेपरेट सेपरेट डिजाइन करी हुई है। अब ये डोर से दोस्तों हम लोग इंटर करते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं अपने बेडरूम पे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप बेडरूम को सेटअप कर सकते हैं। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर विंडो मिल जाती है, विंडो के बैक साइड पर हमने OTS डिजाइन करी हुई है। तो दोस्तों आपको इस 12 फीट बाई 40 फीट में एक बेडरूम मिल जाता है, कॉमन टॉयलेट, कॉमन बाथरूम मिल जाता है, लिविंग रूम मिल जाता है, किचन मिल जाती है और फ्रंट में आपको स्टेयर विद बाइक पार्किंग मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये 12 फीट बाई 40 फीट की हाउस डिजाइन आपको अच्छी लगी होगी। और भी अच्छे अच्छे हाउस प्लान हाउस डिजाइन देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।